गुनगुनी चिड़िया अपने बेटी टूनी के साथ बड़े मजे से अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। अरे मम्मा, मैंने सुना है कि नदी पर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है और वहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है, क्यों ना आज मुझे भी नदी दिखाने ले चलो ना। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ। टुनटुनी अपने बेटी को लेकर नदी पर पहुँच जाती है। नदी पर देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह मम्मा, यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, पर वह देख, अब काले काले बादल छा रहे हैं और पानी बरसने ही वाला है। हाँ मम्मा, जल्दी घर चलो। दोनों माँ बेटे जल्दी जल्दी घर की ओर चली जाती हैं और अपने घर पहुँच जाती हैं। पर वहाँ जैसे ही जाती हैं तो देखती हैं एक दुष्ट कालू कौवे ने उनका घर घेर रखा है। अरे कालू भैया, आप मेरे घर क्या कर रहे हो? अरे तेरा घर? यह तो मेरा घर है। इस घर पे तो मेरी कब से नजर थी। भैया ऐसा मत करो, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जा, मुझे उससे क्या करना है, लेकिन अब मेरे घर से भाग। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेके तेज बारिश में वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा अब हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ कोई भी कहीं जगह नहीं मिल रही है। मेरी बच्ची आ मेरे पंखों में छुप जा, ऐसा कह के टुनटुनी चिड़िया उसे अपने पंखों में छुपा लेती है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है, वहाँ जाती है। कबूतरी बहन, मुझे आज रात के लिए जगह दे दो, मैं आपके घर में बस एक रात गुजारना चाहती हूँ। क्या मेरा घर धर्मशाला है जो मैं सारे पक्षियों को अपने घर में रख लूँ? बेचारी टुनटुनी चिड़िया निराश होके वहाँ से भी चली जाती है और एक पेड़ पर छुप जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक कुटिया पर पड़ती है। वहाँ पर जाती है तो देखती है एक साधु बाबा है, वह उनके पास जाती है। बाबा मेरे लिए कोई घर नहीं है, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, मैंने सारे पक्षियों से मदद मांगी लेकिन कोई ने मेरी मदद नहीं की है। बाबा यह सब भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा का समय खत्म हो गया है। यह लो, यह छोटा सा घर है जिससे तुम्हारी बेटी खेल सकती है। टुनटुनी चिड़िया उस घर को लेकर पेड़ पर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे वह बाबा से तो मैंने रहने के लिए मांगा था, ना कि खेलने के लिए, अब मैं क्या करूँगी। तभी टुनी चिड़िया उस घर से खेल ही रही होती है, अचानक से वह घर नीचे गिर जाता है। तभी वह छोटा सा घर अचानक से एक बड़े घर का रूप ले लेता है। दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर जाती है तो देखती है वहाँ खाने के लिए बहुत सारे फल रखे हुए हैं। अब दोनों माँ बेटी उन साधु की बातें समझ जाती है। उसके बाद उनको धन्यवाद करके खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। बिहार के एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की एक सहेली थी जिसका नाम था सुंदरी कौवी। टुनटुनी और सुंदरी बहुत ही पक्की सहेलियां थी, दोनों अपनी हर बात शेयर करती थी और हमेशा एक साथ ही खेलती कूदती। अब दोनों सहेलियां बड़ी हो गई थी क्योंकि टुनटुनी उनकी इकलौती बेटी थी। एक दिन दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। पता है टुनटुनी, मेरी शादी होने वाली है। हाँ हाँ क्यों नहीं सुंदरी, सभी की शादी एक न एक दिन तो होनी ही है। भगवान तुम्हें अपनी आगे की जिंदगी में बहुत खुश रखे। कुछ ही दिनों में सुंदरी कौवी की शादी हो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी एक दिन वह सुंदरी से मिलने के लिए उसके ससुराल जाती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के घर जाती है, अरे ये क्या हुआ है सुंदरी तुम्हें? कुछ नहीं, ये मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है और मेरी सास बहुत खराब है, सारे दिन मेरे पति के कान भरती रहती है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया के तो यह बात घर कर जाती है। अब तो वह रात दिन उसे यही ख्याल आता रहता है। इसके बाद जैसे ही वह घर पहुंचती है तो टुनटुनी चिड़िया की माँ कहती है, बेटा
अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी के भी बहुत रिश्ते आ रहे हैं। माँ मुझे शादी नहीं करनी है, और कहकर वहाँ चली जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरने के बाद एक दिन टुनटुनी चिड़िया को एक लड़का देखने आता है। उसका नाम था बंटी कबूतर, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उस बंटी कबूतर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और शादी के लिए ना करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन माँ बाप की जिद के कारण टुनटुनी चिड़िया को बंटी से शादी करनी ही पड़ती है, और एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आती है। बंटी की माँ बहुत अच्छी थी, जो टुनटुनी को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी। मेरी बेटी तू सारे दिन काम ही करती रहेगी, चल तू बंटी के साथ घूमने जा, सारा काम मैं संभाल लूंगी। इधर बंटी भी टुनटुनी चिड़िया को सारा शहर घुमाने ले जाता है और उसको तरह तरह की चीजें ला कर देता है। अब तो टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी और धीरे धीरे वहाँ बंटी कबूतर से प्यार भी करने लगी। अरे मैं तो ससुराल वालों को हमेशा ही गलत समझती थी, लेकिन मेरी ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। मेरी सास मेरी माँ की तरह ही प्यार करती है और बंटी जी तो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी कटने लगी और टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी रहने लगे। टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हुई थी। कालू कौवे के परिवार में उसकी माँ सुंदरी कौवी भी साथ में रहती थी। सुंदरी कौवी ही अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाती थी। कालू कौवा एक नंबर का आलसी कौवा था, जो सारे दिन पलंग पर पड़ा पड़ा आराम करता रहता था और अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी चकरने चला जाया करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी आप यूं ही क्यों पड़े रहते हो, अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तू अपना मुंह मत चला, आज तक मेरी माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। तू कौन होती है मुझसे जवान लड़ाने वाली, तेरे पेट में अंडे हैं तो मैं क्या करूँ। अगर तेरे पेट में अंडे हैं और उससे बच्चे होंगे तो उनको तू पालना। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया, माँ जी ये कुछ करते नहीं है, हमारा घर आगे कैसे चलेगा माँ। अरे बहू मैं इसका क्या करूँ, ये तो भी सुनता ही नहीं है। ऐसे ही इसका बाप था, जो बहुत पहले ही मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तुझे मेरे जीते जी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तब तक तू आराम से यहाँ रह सकती है। एक दिन कालू कौवा रात में अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया, माँ जी वहाँ कितनी देर से गए हैं और रात कितनी भयानक हो रही है, अभी तक नहीं आए हैं। बेटा तू चिंता मत कर, वह आता ही होगा, जब तक तू उसके लिए खाना बना ले, क्योंकि वह आते ही खाना मांगेगा। जी माँ जी, ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया किचन में खाना बनाने लगती है। इसके कुछ देर बाद ही कालू कौवे का दोस्त बंटी कबूतर आता है। माँ जी, ओ माँ जी क्या हुआ बेटा। माँ जी कालू कौवे का दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और इस झगड़े में कालू की मौत हो गई है, आप जल्दी चलो। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से खाना छोड़ और मेरे साथ चल। दोनों वहां जाकर देखती हैं तो कालू की मौत हो चुकी होती है। अब टुनटुनी चिड़िया, आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं आपको कितना समझाती थी पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी, अब हमारे होने वाले बच्चों को कौन पालेगा। मेरा बेटा कालू, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, मेरा बेटा नालायक ही सही पर जैसा भी था वह मेरा बेटा था। दोनों सास बहू एक दूसरे के सीने से लगकर रोती रहीं। अब कालू के गम में सुंदरी कौवी भी बिस्तर पकड़ लेती है। अब टुनटुनी चिड़िया का सहारा कोई ना था, वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया सोचती है, अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, माँ जी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और वह भी बहुत बीमार रहने लगी है।
दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया दो अंडे देती है। उस अंडे में से दो छोटी छोटी प्यारी बेटियां आती हैं। उन बेटियों को देखकर अब टुनटुनी चिड़िया को थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, लेकिन उसके घर में एक भी अनाज का दाना ना बचा था। अब तो टुनटुनी चिड़िया को दिन रात अपने बच्चों को पालने की सोचती रहती थी। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी से कहती है, माँ जी मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मैंने शादी से पहले सिलाई सीखी थी, क्यों ना मैं सिलाई करके कुछ पैसे कमा लूं। बेटा अब तो तू ही घर की मालिक है, जैसा तू ठीक समझे वैसा कर सकती है। टुनटुनी चिड़िया सिलाई मशीन बाहर रख लेती है और आवाज लगाती है, सिलाई करवा लो, बहुत कम दामों में अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा लो, आइए आइए बहुत अच्छी सिलाई करवाइए। ऐसा सुनकर बाहर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। टुनटुनी बहू, तुमने ये सब बहुत अच्छा सोचा, तुम आज ही मेरी बेटी के लिए फ्रॉक सिल दो। जी माँ जी, मैं आज ही आपकी बेटी के लिए फ्रॉक सिल दूंगी। अब तो टुनटुनी चिड़िया पर ग्राहकों की भीड़ जमा होती है और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया इस सिलाई से अपने परिवार का बहुत अच्छा खर्चा उठाती और अपनी बेटियों के साथ अब वहाँ खुशी खुशी रहने लगी।